स्कूली बच्चों की पढ़ाई को सरल बनाने के उद्देश्य से नौणी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला शमरोड में 6 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कंडाघाट ब्लॉक के 44 अध्यापक और अध्यापिकाएं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा के सरलीकरण और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा छोटे बच्चों के बस्तों के बोझ को कम करने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं इस ट्रेनिंग में अलग अलग विषयों को बच्चों के लिए मनोरंजक एवं सरल करने की विधियां भी बताई जा रही हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े। वहीं इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि किस तरह से बच्चों में शैक्षणिक संस्कार और अनुशासन जैसे गुणों का विकास हो सके। शिविर में पहले दिन संपर्क फाउंडेशन की ओर से गणित को सरल एवं मनोरंजक बनाने के तरीके बताए गए। ज्योत्सना शर्मा ने बताया कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई को सरल बनाने के उद्देश्य से नौणी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला शमरोड में 6 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिविर में कंडाघाट ब्लॉक के 44 अध्यापक और अध्यापिकाएं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। और अभी शमरोड में सेंटर स्कूल में 6 दिन की कार्यशाला हमारी चल रही है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स जो एनसीईआरटी की तरफ से डिसाइड किए गए हैं, जो हमारे कंटेक्स्ट के साथ रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में, ईवीएस में, हिंदी और इंग्लिश में, उनके ऊपर अध्यापकों के साथ चर्चा की जा रही है, जिसमें कंडाघाट ब्लॉक के लगभग 44 डिफरेंट क्लस्टर से आए हुए, डिफरेंट स्कूल से आए हुए टीचर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और संपर्क फाउंडेशन की तरफ से आई हुई मैडम एकता जो है, जो एनजीओ से हैं जिनका कोलैबोरेशन है एचपी गवर्नमेंट के साथ, वो मैथ्स के ऊपर बात कर रही हैं 2 दिन के लिए। और 2 दिन के लिए मैं इनसे बातचीत करूंगी किसी एक टॉपिक के ऊपर, और फिर उसके बाद हमारे साथ हमारे एक और रिसोर्स पर्सन हैं पूनम भंडारी मैडम जी, जिसमें अध्यापकों का जो है ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। और हमारे ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर श्री रुपिंदर बंसल जी और सीआरसी श्रीमती सरला भाटिया जी की अध्यक्षता में इस कार्यशाला को शुरू किया गया। 6 दिन की ये कार्यशाला जो है वो 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक की चलेगी। और इसमें 6 दिन के लिए हम टीचर्स को जो है वो डिफरेंट सारे जितने हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एट प्राइमरी लेवल, उन पे टीचिंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कैसे की जाएगी और सीखने के प्रतिफल को हम अपने टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट करेंगे ताकि बच्चों का जो लर्निंग गैप है उनकी टीचिंग में उसको कम किया जा सके, उसके ऊपर पूरी बातचीत की जाएगी।